बुलंदशहर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेश सिंह चौहान ने छत पर तुलसी, गुलाब, गुलहड़, नींबू, अमरूद, पाम, एलेबिया, ग्रीन बेल आदि 30 पौधों का रोपण किया। साथ ही हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेश सिंह चौहान ने खुद ही रोपित किए गए पौधों के संरक्षण संचय की जिम्मेदारी भी खुद ली। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण के समय हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेश सिंह चौहान ने जनपद वासियों से अपील भी की, प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाए, साथ ही इसका नियमित पानी, खाद आदि के माध्यम से खुद ही केयर टेकिंग भी करें। अपने पड़ोसी व्यक्ति को पौधारोपण के लिए प्रेरित भी जरूर करें, जिससे पर्यावरण सुरक्षित, वायुमंडल व हवा शुद्ध रहे। नमस्कार, मैं ठाकुर ज्ञानेश कुमार चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक हिंदुस्तान उत्थान पार्टी जनपद बुलंदशहर से। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे मैं आप सभी देश प्रेमियों से, पर्यावरण प्रेमियों से ये निवेदन करना चाहूंगा और आमजन से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपने यहां एक एक पौधा अपनी छत पे, अपने घर में, बागान में या जहां भी संभव हो सके जरूर लगाएं, जिससे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको, जो अभी जैसा हम सभी ने देखा पीछे ऑक्सीजन संकट हुआ था पूरे देश में, इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनका सामना ना करना पड़े। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।